हेलो फ्रेंड, आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ संजू बॉबी किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी बनाई हूँ पालक और चने दाल की, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल पालक की रेसिपी। तो चने दाल पालक की रेसिपी के लिए मैं दाल ले ली हूँ। एक गिलास दाल में दो गिलास पानी देकर के नमक हल्दी डाल के इसको मैं उबाल ली हूँ। उबालने के लिए चार से पांच सीटी में लगाई। देखिए हमारा दाल जो है वो पक चुका है। इतना ही पकाना है, इसको ज्यादा नहीं पकाना है। अब मैं पालक ली, पालक को धो करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली। काट करके मैं ये रख दी हूँ। और इसके मसाले में मैं क्या ली हूँ, लहसुन मिर्ची अदरक प्याज और एक टमाटर ली हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें सरसों के तेल डाल दी हूँ। सरसों का तेल एक से दो टेबल स्पून में ली हूँ। आप घी भी ले सकते हैं, मैं सरसों का तेल ली हूँ। तो इसमें जीरा डाल दी, जीरा हमारा चटक चुका है। अब एक मिर्ची डाली। मिर्ची डालने के बाद ये प्याज डालूंगी, प्याज टमाटर लहसुन सभी को फ्राई करना है। फ्राई दो मिनट तक करना है, इसका कच्चापन बस दूर करना है। इसके बाद इसमें एक चम्मच मिर्ची पाउडर जाएगा, एक स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक में दाल डालते समय ही डाली थी तो थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, और थोड़े से हल्दी, क्योंकि हल्दी भी मैं डाल दी हूँ दाल उबालते समय, और हाफ चम्मच गरम मसाला जाएगा। और सभी को फ्राई करने के बाद मैं मसाला फ्राई होने के बाद इसमें पालक डाल दूंगी। पालक और सारे मसाले मिलने के बाद मैं इसको दो मिनट तक पकाऊंगी। दो मिनट होते ही मैं ये ढक्कन हटा रही हूँ। देखिए मसाला और पालक हमारा घोल मिल गया है। अब मैं इसमें बॉईल करके जो दाल रखी हूँ वो डाल रही हूँ। देखिए हमारा मसाला पालक और दाल सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो सब कुछ तो ऑलरेडी पका हुआ है ही, तो मैं इसको फिर भी दो मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का में क्या लूंगी वो सब भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए दिख रहा है ना हमारा यम्मी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है रेसिपी। ये आप लोग भी फॉलो करिए और इस तरह से पालक दाल बनाइएगा। पैन हमारा गर्म हो चुका था, मैं इसमें एक चम्मच तेल डाल दी हूँ। और तड़के में मैं क्या ली हूँ वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो मिर्ची अदरक लहसुन और थोड़ा सा जीरा ली हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी। तड़का हमारा चटक चुका है, इसमें मैं थोड़ी सी कलर के लिए लाल मिर्च डाली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए देखिए हमारा चना दाल और पालक रेडी हो चुका है। मैं सर्व भी कर दी हूँ। देखने में देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो आप लोगों को हमारा ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।